गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी हूँ धनबाद स्टेशन में, आप देख सकते हैं। जा रही हूँ घर, आप लोगों को बताती हूँ जाते हैं। पहले सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, हर हर महादेव। ज़्यादा जोर से तो बोल नहीं सकती हूँ, स्टेशन पे हूँ और अभी ट्रेन भी मेरा आने वाला है, तो ट्रेन पर मैं ब्लॉग बनाऊँगी। आज चलिए शताब्दी एक्सप्रेस आएगी, रांची से चलकर हावड़ा जाने वाली। मैं फ़िलहाल रानीगंज में उतरूंगी क्योंकि अंडाल में उसका मतलब स्टॉपेज नहीं है, तो इसीलिए ट्रेन पकड़ने जा रही हूँ। आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। ट्रेन प्लेटफॉर्म में आ चुकी हूँ, ट्रेन अभी आया नहीं, तो मेरा जो खबर हो चुका है, 5 मिनट पर आ रही है शताब्दी एक्सप्रेस। अभी ट्रेन अभी नहीं आया है क्योंकि ट्रेन का टाइम है 5:40 में, तो अभी बजा है 5:23, तो अभी ट्रेन आने वाला है और मैं टाइमिंग नहीं देख रही इसलिए इतना हड़बड़ा रही थी। और मेरा कोच नंबर यही है, आप लोग देख सकते हैं, उल्टा दिखा रहा है कोच नंबर। मैं आप लोगों को बताई थी कि डबिंग का ब्लॉग बना पाऊंगी, लेकिन इतना ज़्यादा मैं बिजी थी कि बना नहीं पाई। आज सुबह से मैं डबिंग पे, रिकॉर्डिंग पे थी, तो थोड़ा भी हमको टाइम नहीं मिला, खाना भी नहीं खा पाए थे, तो शाम के टाइम खाना खाए, तुरंत निकल गए स्टेशन के लिए। तो अभी स्टेशन पहुँची हूँ और ट्रेन आएगा फिर मैं घर जाऊँगी। मैं आई हूँ कल, तो कल नाइट को थोड़ा डबिंग रिकॉर्डिंग हो पाया था, मतलब एक स्टोरी था तो वो डबिंग हो गया है। और आज जो था, आज स्टोरी बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था स्टोरी। आप लोग देखिएगा तो बताइएगा कैसे लगा। मेरा जब वो रिलीज़ होगा मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगी, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा मेरा यूट्यूब में कि कैसा लगा है, कैसा नहीं है, ओके। और आज बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतना गर्मी लग रहा है, हमको क्या बताऊँ। सारा दिन स्टूडियो पे थी, तो मतलब कैसा हालत होगा आप लोग थोड़ा समझ रहे हैं, जो लोग गाना गाते हैं उन लोगों को पता होगा। और कितना 35 मिनट का स्टोरी था शायद, तो और सब जगह मतलब मेरा मतलब डायलॉग था। अब कैसे क्या किया मैं बता भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और ये अभी मैं बैठी हूँ धनबाद स्टेशन पर, ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ मैं पहले जब लॉकडाउन नहीं लगा था तो मैं कंटिन्यू मतलब रोज़ आती थी, रोज़ मेरा आना जाना अप डाउन होता था। सुबह मैं आती थी, शाम को जाती थी, सुबह मैं आती थी, शाम को जाती थी, क्योंकि डेली शूटिंग करती थी। और अभी तो ट्रेन भी स्टॉप है, लोकल कोई एक्सप्रेस नहीं चल रहा, आज भगवान की कृपा से एक ट्रेन का टिकट मिल गया जो भी है तत्काल में, तो अभी जा रही हूँ घर। मैं जब आई थी तो मैं 4-व्हीलर से आई थी, तो अब जा रही हूँ ट्रेन से। अब देखिए ट्रेन कितने बजे आता है, और इतना दिन बाद ट्रेन में चल रही हूँ, अच्छा लग रहा है। तब तक मेरा ब्लॉग में आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, आप लोगों को दिखाते हैं ट्रेन का सफ़र मेरा कैसा रहता है, मेरे साथ बने रहिए। तो मेरा भी ट्रेन आ चुका है और मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और जा रही हूँ घर। सीट ढूंढने में भी दिक्कत नहीं हुआ, कोच नंबर लिखा ही रहता है, लेकिन बहुत स्टेशन पे कोच नंबर नहीं रहता है इसीलिए दिक्कत होता है, थोड़ा दौड़ना पड़ता है। बट कोच नंबर सही जगह पे था, मतलब हम लोग का जैसे C4 था, तो C3 के जगह मतलब जहाँ कोच नंबर लिखा हुआ था C4, बट थोड़ा आगे C4 चला गया, तो हम लोग को थोड़ा दौड़ना पड़ा, थोड़ा मैनेज करना पड़ा, इतना तो मैनेज करना ही पड़ता है। चलिए ट्रेन का थोड़ा सफर आप लोगों के साथ करते हैं, दिखाते हैं। और आप लोग कौन सा ट्रेन है, ये शताब्दी एक्सप्रेस नहीं, भूल चुके। मेरा प्यारे प्यारे दोस्त, मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग बताइएगा।
हर कोई कमेंट नहीं करता, बट जो लोग कमेंट करता है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक दो दिन में अगर ब्लॉग नहीं आ रहा तो वो लोग दूसरा मेरा वीडियो पे मतलब कमेंट करके पूछते रहता है कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं छोड़े, तो आप लोग के लिए छोड़ना पड़ता है। चलिए सबको अच्छा लगे कि लगे या ना लगे, बट कुछ मेरा फ्रेंड है उनको अच्छा लगता है, बहुत मतलब अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा तो लगता है ना, तो ट्रेन का सफ़र चलिए रहता है। मेरा ट्रेन अभी खुल चुका है, आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म से हम लोग अभी निकल रहे हैं, बहुत दिन बाद ठीक है देखता धन्यवाद है। इसके बाद रुकेगा आसनसोल, उसके बाद रानी गंज, तो मैं रानी गंज में उतर जाऊँगी, उसके बाद घंटा पड़ेगा क्योंकि हमारा स्टॉपेज नहीं है रानी गंज तक, हमको टिकट कराना पड़ा, मतलब बहुत हम लोगों का नसीब है कि मतलब टिकट मिल गया, अचानक से टिकट नहीं मिलती है। ये है मेरा ट्रेन का सफर आज का, देख सकते हैं अभी जस्ट शुरू हुआ है, अभी ख़त्म होने थोड़ा बाकी है, आप लोग तब तक मेरा ब्लॉग को कंटिन्यू देख लीजिएगा। और बारिश वाले वेदर भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं कुछ रील्स बना रही हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद मुझे पता नहीं अब कब चलूँगी और कब आना होगा पता नहीं, क्योंकि इंसान का कोई भरोसा नहीं, आ जाए तो कब नहीं है पता नहीं, आ भी पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी। आज मैं बना रही हूँ रील्स और आप लोग के लिए ब्लॉग, तो मेरा ब्लॉग प्लीज 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 देखिएगा, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड है, सारा है ठीक है, बने रहिए। ठीक है तो बोला कि दो चार दिन और रुक जाइए, ये हफ्ता छोड़ दीजिए, जो देखिएगा तो देखते पहले कमेंट कर दीजिए, बाद में पूरा वीडियो का कंटिन्यू रखिएगा, मत करिए नेक्स्ट रविवार का प्रोग्राम को, मेरा घर का सामने तो हम लोग क्या है कि गाड़ी लेके आएंगे, आसान से हो जाएगा, हम रहेंगे मुझे लोग रहेगा तुम लोगों के गाड़ी रहेगा, और एक इलेक्ट्रिक 6:30 हो एक जो इलेक्ट्रिशियन को ले आएंगे, सारा खुलवा के सब लोग फूट करके गाड़ी में हम चले आएंगे, तो उसमें टेंशन नहीं रहेगा, उसमें रात 12 भी बजेगा तो कोई बात नहीं, बस यही प्रोग्राम तो 6:30 के करीब हो रहा है अपने आस पास, तो आसनसोल के बाद रानी गंज उतरूँगी, और देखिए मतलब शूटिंग क्या होता है ना कि डेली अगर लगातार करते हैं तो अच्छा लगता है कहीं जाते हैं तो, और अचानक से बहुत दिन बाद जाना पड़ता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उड़ नहीं बैठता, कल मैं आई थी तो आज घर जा रही, मतलब एक दिन थी तो मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत दिन बाद में आई, बट नहीं ऐसा नहीं है, लाइटिंग बहुत मैं आज उनसे पूछ चुकी हूँ, फिर रानी गंज उधर के दिखा लाऊंगी, पता नहीं अपलोड करूंगी नहीं करूंगी, मेरा मन जैसा रहता है, कभी मन रहता तो अपलोड करती हूँ, कभी नहीं रहता तो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, और देखो तो कितना ज़्यादा सीढ़िया है गाइस, देखिए बहुत मतलब आवाज़ आती है स्टेशन में, मतलब बहुत क्लियर है, अरे फाँका है स्टेशन में, सिर्फ मम्मी और हम हैं, अरे अंकल है, तो अभी आज का ब्लॉग
यही समाप्त करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। अब स्टेशन के बाहर जाऊँगी, फिर हमको घर जाना पड़ेगा अगला एक स्टेशन भी। तो आज के लिए लगे सभी को बाय टाटा। देख सकते हैं ये है हम लोग का रानीगंज स्टेशन, जो कि बहुत ज़्यादा फाँका है। और यहाँ का यहाँ हम लोग जब कॉलेज आते थे ना, तब यही स्टेशन में आते थे और यही प्लेटफॉर्म में हम लोग बैठे रहते थे हम लोग, मतलब सहेली के साथ, और बहुत मस्ती करते थे। आज देखिए आज स्टेशन इतना ज़्यादा फाँका हो गया है, बट आज बहुत मिस कर रही हूँ वो सब दिन जब कॉलेज में हम लोग आते थे। और आज ऐसा हाल है कि स्टेशन पूरा फाँका है, लेकिन कॉलेज के टाइम में हम लोग बहुत मौज मस्ती किए ही स्टेशन में, ही देखिए सीट सीट पर बैठे बैठे।